अथॉरिटी के बगैर इस देश का शासन चलने नहीं दूंगा। संदीप भैया आप ये भी बात याद रखो कि बाबा के बच्चों के बगैर तुम दोबारा कभी आमदार नहीं बन सकते, इसलिए मेरे बाप के बच्चों पर भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है आपका। कमतावादी संतों में दास दे, तुम्हारा भीड़ शहर बड़ा खुश नसीब नजर आ रहा है मुझे आज कि मैं पहली बार इतना नौजवान आमदार देख रहा हूं, क्योंकि कोई कांग्रेस के समर्थक है, कोई भाजपा के समर्थक है, कोई एनसीपी के समर्थक है, लेकिन आमदार तो संदीप भैया आप लोगों ने ही बनाया है। समाज में जन्मे सभी संत गुरु और महापुरुषों की विचारधाराओं को अभिवादन करते हुए कार्यकर्ताओं से अपील है, सभी वकील मान्यवरों से भी कि आप लोग सुने और गौर करें। हाँ क्या रे? इधर ध्यान देना है। थोड़ा इसको थोड़ा नॉर्मल बढ़ा। रविदास जी के जयंती के मौके पर सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। मलाई जाओ एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए। अच्छी लगी तो कम से कम तालियां बजाया करो कि बातें जबा से वफा और ईमान की करो और इज्जत हमेशा तुम किसी के ज्ञान की करो। बातें जबा से वफा और ईमान की करो, इज्जत हमेशा तुम किसी के ज्ञान की करो। हक मिला संविधान से किसी और से नहीं, अरे करनी है तुमको पूजा तो संविधान की करो। क्या बात है, मुझे तो दस ही लोग काफी है समझदार, क्योंकि जतरा में फतरा होता है मुझे अच्छा याद है। खैर
पत्थरों में फूल खिलाने की बात करे पप्पू भैया, और चट्टानों को ठोकरों से बुलाने की बात कर। दौड़ता है गर्भों में तेरे खून भीन का, तो जातिवादी को मिट्टी में मिलाने की बात कर। बड़ा साहब जी, अरे बुद्ध को बोने प्रयास देखा है, रविदास देखा है। भारत के लोग इतने बेवकूफ है साले, ये रविदास को गुरु नहीं मानते, ये आसाराम को गुरु मानते हैं। जो तालियां नहीं बजा रहे हैं, आसाराम होगा कि साई राम, फिर भी साधुओं ने एक एक को झटके दिए है देश के अंदर, फिर भी ये हो गया कि वो हो गया कि वो। अरे तुम्हें संत गुरुदास को भारत के लोगों को गुरु मानना चाहिए। अरे समतावादी संतों ने रविदास देखा है, ये
में कुछ लोग दाढ़ी बढ़ाकर देश को उल्लू बना रहे हैं। दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु नहीं बनता है, कोई मौलवी नहीं होता है, क्यों सैयद साहब? कुछ लोग बोल रहे हैं कि देश को फर्स्ट क्लास बनाना, मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि लोगों को सेकंड क्लास रख के तुम देश को फर्स्ट क्लास नहीं बना सकते हो, तुम्हें देश को फर्स्ट क्लास बनाना है तो देश के लोगों को फर्स्ट क्लास बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं देश फर्स्ट क्लास बनेगा। और देश के लोगों को समतावादी बनाने में संत रविदास का बड़ा हाथ है, इसलिए समतावादी संतों में रविदास देव आए, समतावादी संतों में रविदास देव आए, समतावादी संतों में रविदास देव आए। पाखंडवाद में जिसने गे, पाखंडवाद में जिसने गे, अरे सत्यानाश देखा है, क्या बात है, पाखंडवाद में जिसने सत्यानाश देखा है, पाखंडवाद में जिसने सत्यानाश देखा है। चमार दोहा तो बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, ऐसा चाहूं राज जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे, तब रविदास रहे प्रसन्न। जो बुद्ध को समता चाहिए थी, वो समता शांति बंधुत्व न्याय शील करुणा ये रविदास चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ में समतावादी लोगों का वो राज भी चाहते थे। भाई राज लाने की बात भूल गए महाराष्ट्र के चमार, ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के चमारों ने कुछ सबक सीखा है रविदास से। तालियां नहीं बजा रहे? Thank you.
विकास देखा है शहर बड़ा खुश नसीब नजर आ रहा है मुझे आज कि मैं पहली बार इतना नौजवान आमदार देख रहा हूं जो तालियां नहीं बजा रहे। क्यों नहीं बजा रहे ये भी जानता हूं मैं, क्योंकि कोई कांग्रेस के समर्थक है, कोई भाजपा के समर्थक है, कोई एनसीपी के समर्थक है, लेकिन आमदार तो संदीप भैया आप लोगों ने ही बनाया है। ये भी उतनी बात सही है, समर्थक भले ही आप किसके भी हो पप्पू भैया, समर्थक किसके भी हो, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से एक नौजवान लड़का आप लोगों ने आमदार बनाया है। और मुझे बाड़ा साहब ने बताया भी है कि पूरे जिले के अंदर देहातों के अंदर बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैंने बोला भाई अच्छा काम करेगा तो आगे जीत के आएगा, 24 में नहीं करेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े होशियार हैं, मंत्रियों की भी गिरा देते हैं उनके परिवार के ही। और एक खास बात है, अभी देश के अंदर कांशीराम जी ने एक बात कही थी कि बाबा के बच्चों के मर्जी के बगैर इस देश का शासन चलने नहीं दूंगा। बाबा के बच्चों के मर्जी के बगैर, फोटो वाले भैया बैठ जाए, आप चल बैठ जा लीजिए आप, बाबा के बच्चों के मर्जी के बगैर इस देश का शासन चलने नहीं दूंगा। संदीप भैया आप ये भी बात याद रखो कि बाबा के बच्चों के बगैर तुम दोबारा कभी आमदार नहीं बन सकते, इसलिए मेरे बाप के बच्चों पर भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है आपका। संतवादी संतों में जो काम करता है अंदर से जिसको भी आशीर्वाद देता है वो भी आमदार बन सकता है। मैंने उद्भव भी उनका भी रुतबा देखा है, जरा जोश हो गया बाबा। तो यहां पे जो लोग हैं, मैं नाचे बगैर लोग नाचते नहीं। अरे समतावादी संतो जोर से नौजवान तो है, खूबसूरत भी अच्छा है। अरे समतावादी
मले पुढे बोलून राहिले मले एकट्यालेच नाच होता का बड़ा दिलदार कार्यकर्ता नजर आया। धन्यवाद। तुम्ही देऊ नका पण टाळ्याचा वाजवा रे। देखो किसी को कुछ देने के लिए सोच राजा की लगती है, कोई भिखारी किसी को कुछ नहीं देता है, यह बात है। अरे शुक्रिया साहब। क्योंकि देने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं, देने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं और मांगने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं। मेरे भाई की जानिब से 500 रुपए मिले हैं। अरे समतावादी तुम्हें देऊ नका पण टाळ्याचा वाजवा कमीत कमी। समतावादी संतो रविदास जानिब से मुझे 500 रुपए बख्शीश के तौर पर मिले हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए भैया। उनको दिखने दो ना, वो माँ बहने आ रही। तुम भी थोड़े से बाजू में इकड़े मुहाना। क्या है, कभी कभी कुछ लोग हमको बोलते हैं कि बाबा के फूले के शाहू के रविदास के बच्चे ये मांगते हैं। ये मांगने वाले बाप की औलाद है। आज भीड़ के अंदर हम साबित करके बताएंगे कि शाहू फुले अंबेडकर और रविदास के बच्चे ये मांगने वाले नहीं, ये देने वाले बाप की औलाद है। ये देने की बात करती है। समतावादी संतो मना रविदास दे आमदार कोई भी बन सकता है, बटन दबाओ। जो के पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब तो मेरे बाप ने ऐसा बटन दबाया दिया है यार, बटन दबाओ राजा पैदा होता है। मले नाचल लौटन जमीन नहीं नाचल का। अरे समतावादी संतो सौदा आहे, फक्त तुम्ही आणून द्या आम्ही बनवतो। मिले हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए बब्बू भैया, क्योंकि आपकी तालियां मेरे लिए आशीर्वाद होती है। जाति तोड़ने वाला और इंसान जोड़ने वाला, विश्वास दे रहा है।
इशारा फरमाइए, तवज्जो चाहूं क्या है। सारंग भजन भक्ति में पढ़ा उनके दोहे में, मैं पूरे देश में घूमता हूं लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो आमदार साहब ने मिलके, उनके साथियों ने मिलके, बड़ा साहब उनके साथी, मुझे ऐसा लगता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी जयंती आज बीड जिले के अंदर आमदार जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है। ये इतिहास रहेगा, इसलिए अपन गाना खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर, तालियां बजाकर गाना खत्म करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ वर्ती करूं, अरे समतावादी क्या जरा ध्यान घुमा, क्या मेरे वाले भैया।